प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट ऑफिशियली 21 जून से होने जा रही है। पीएम मोदी की ये विजिट इंडिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि माना जा रहा है कि यूएस विजिट के दौरान अरबों का सौदा हो सकता है। क्या कुछ डील्स होने वाली है इस विजिट के दौरान, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। कोरोना के बाद से ही इंडिया पूरे वर्ल्ड के सामने इकोनॉमिक हब बनकर सामने आया है। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सोलर सेक्टर तक भारत की पीएलआई स्कीम ने एप्पल जैसे दिग्गज कंपनियों को भी चीन छोड़कर भारत आने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं टेक्नोलॉजी के मामले में भी इंडिया काफी आगे बढ़ रहा है। इस साल अमेरिका के साथ भारत ने एक डिफेंस डील पर समझौता किया था। इस डील के अंडर भारत पहली बार जेट फाइटर के इंजन बनाएगा। खास बात यह है कि अभी तक ये मौका चीन को भी नहीं मिला है। उम्मीद है कि इस दौरे के दौरान इस डील पर मोहर लग सकती है। इस डील के अलावा और भी कई डील्स होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें पहली डील है भारत में JE-414 जेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। दूसरी डील M777 लाइट होविट्ज़र को अपग्रेड करने का ऑफर अमेरिका की तरफ से मिल सकता है। तीसरी डील स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन का साझा प्रोडक्शन हो सकता है। अमेरिका ने अपने सबसे पावरफुल स्ट्राइकर व्हीकल को भारत के साथ मिलकर बनाने का ऑफर दिया है। पीएम मोदी के इस दौरे पर इस डील पर भी मोहर लग सकती है। चौथी डील अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भारत में ट्रांसफर हो सकता है। पांचवी डील अमेरिका के दूर तक मार करने वाले बम मिसाइल का निर्माण भी भारत में हो सकता है। छठी डील INS विक्रांत के लिए 26 F-18 फाइटर विमान की खरीदारी पर भी मोहर लग सकती है। पीएम मोदी के इस विजिट पर दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर्स, साइबर स्पेस, एरोस्पेस, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, कमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड द यूज ऑफ AI इन इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सेक्टर समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और डील्स होंगी। पीएम मोदी अमेरिकी कंपनियों के CEO के साथ भी मुलाकात करेंगे, जो कि काफी अहम माना जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कई अमेरिकी कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट और चीन के बजाय सप्लाई चेन को इंडिया में शिफ्ट करने को लेकर इनवाइट करना है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट का फोकस भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बताने पर रहने वाला है। इसकी वजह भारत का दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होना, उभरता मिडिल क्लास होना और एक बड़ा मार्केट होना है। वहीं एप्पल की सक्सेस स्टोरी को शोकेस कर भारत की कोशिश मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI जैसी स्कीम्स का फायदा विदेशी निवेशकों को समझाने का होगा, ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चीन के बजाय भारत में ट्रांसफर करे। इसमें टेस्ला को भारत लाने की कोशिश भी शामिल है। वहीं अमेरिका और चीन के रिश्तों में साल 2018 से तलखी आनी शुरू हो गई थी, जो कोविड के बाद के दौर में और बढ़ गई। अब अमेरिका को भी लगता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो क्षेत्रफल, जनसंख्या और बाजार के मामले में चीन को कड़ा जवाब दे सकता है। चीन और अमेरिका के बीच में तकरार इस बात से देखी जा सकती है कि चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 18 साल के सबसे लो लेवल पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां चीन को प्रमुख मार्केट तो मानती हैं, लेकिन निवेश को लेकर उनकी दिलचस्पी कम हुई है। जिस तरह से एक के बाद एक अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर का रास्ता देख रही हैं, अमेरिका चीन पर अपने मनमाने हिसाब से दबाव बना सकता है। वहीं हाल में भारत सरकार की PLI जैसी स्कीम और उससे एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों को हुए फायदे को शोकेस करके दबाव बनाया जा सकता है। तो भले ही भारत अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। आप मोदी जी की इस विजिट को अमेरिका के साथ किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमें साथ में ये भी बता सकते हैं कि क्या कुछ डील्स होने वाली हैं और अमेरिका की इस विजिट का भारत को क्या कुछ फायदा हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें। अगर इस वीडियो का फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।